और एक भाई का और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसका नाम है ये, और ये भाई यहाँ पे बैठा है, इसके चैनल का नाम GTX बंगू गेमिंग है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मेरी बात हो चुकी है कॉल पे, तो वो कह रहा भाई मैं आ रहा हूँ ट्रैक्टर लेके। तो भाई मैंने उससे पूछा कि भाई चाय पानी पी के चले जाओ, तो गाइस वो कह रहा है मैं चाय पानी नहीं पीऊँगा। गाइस कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज खेलने वाले हैं फार्मिंग सिमुलेटर 20, और फार्मिंग सिमुलेटर 20 हम पूरे रियलिस्टिक तरीके से खेलने वाले हैं, जैसे कि हम हमारे पास शुरू से ट्रैक्टर नहीं होता है, हमारे जैसे रियल में हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, तो हम कैसे जो वाई वही करते हैं वैसे हम आज गेम प्ले बनाएंगे। तो गेम प्ले को पूरा फुल देखना, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर और कमेंट भी कर देना अच्छे अच्छे तो यहाँ से गाइस हमारे जो यहाँ पे हमारा जो खेत होता है यहाँ पे पहले उसको गाइस हमने उसको जो करना है प्लो, तो हमें भाई ट्रैक्टर जो बुलाना होगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ ये हमारा जो खेत है ये प्लो होने वाली है, इसमें फिर हम गेहूँ बीजेंगे और फिर हार्वेस्टर वाले को भी फोन लगाएंगे। तो गाइस चलो गाइस हम उसको लगा कॉल लगा कर कह ट्रैक्टर वाले को कहते हैं कि भाई ये हमारी जो खेत जो उसको वाजा चुकाई, इसको मलती जो हल जो फेर गया उसमें गाइस। तो चलो गाइस मैं करता हूँ फोन उनको। तो गाइस मेरी बात हो चुकी है कॉल पे, तो वो कह रहा भाई मैं आ रहा हूँ ट्रैक्टर लेके, तो देखते हैं गाइस कब आता है ट्रैक्टर लेके। तो उतनी देर वेट करते हैं गाइस। तो गाइस तो ये और एक और खेत है उसमें बाद में गाइस हम इसमें डिजॉय करेंगे गेहूँ। तो गाइस उसको देखते हैं कब आता है गाइस। तो फाइनली गाइस वो ट्रैक्टर वाला आदमी मेरा ट्रैक्टर लेके आ चुका है, तो उसको अब हम कहेंगे हम गाइस कि जो हमारा जो खेत है ये वादेगा पूरा। उसके बाद खेत को वाने के बाद वो गाइस ड्रिल से हम इसकी जो बिजाई करेंगे, क्योंकि अब तो गाइस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो गाइस इसको कहते हैं कि ये बीज इसको गाइस जो प्लो कर लेता है, तो बाद में गाइस हम इसको दूसरा काम बताएंगे। तो चलो गाइस इसको लगा देते हैं प्लोइंग पे। ओके जी, तो गाइस ये हमारे खेत को जो वाने लग गया है, तो ये सारा खेत जब वादेगा तो फिर हम ये कह रहा है भाई मैं पैसे नकद नकद लेंगे, तो मैंने कहा भाई नकद नकद लेते जाओ पैसे, जो हमारे पैसे वो जा रहा है गाइस, जो हमारे जो खेत वाने आया वो हमारे जो खेत को वा नाली वा साथ साथ ही वाएगा उसको, और साथ साथ ही हल फेरेगा और साथ साथ ही गाइस पैसे काट जाएगा। तो गाइस ये खेत को हम वाते हैं, फिर आपको मिलते हैं गाइस। तो गाइस उसने हमारे खेत को जो वा दिया, खेत को पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो भाई मैंने उससे पूछा कि भाई चाय पानी चले जाओ, तो गाइस वो कह रहा है मैं चाय पानी नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा भाई जल्दी से जा इसको हल को उतार के ड्रिल ले आओ, तो वो जब ड्रिल लेके आता है तो उतनी देर हम गाइस फिर से वेट करते हैं। तो वो जाए अभी जा रहा है गाइस ड्रिल लेने, तो गाइस बाद में इसको मिलते हैं। तो गाइस ड्रिल लेकर आ चुका है हमारा बंदा, जो हमारे जो जैसे पहली को जो ड्रिल से बीजनी थी गेहूँ, तो वो कह रहा भाई ये मैंने कहा से भाई ये कीड़े में सभी में केयर तो करना का, तो गेहूँ बीजने वाले हैं गाइस हम, तो इसको गेहूँ को बीज कर बाद में आपको मिलते हैं गाइस। फिर गाइस हम इसको हार्वेस्टर से काटेंगे, अभी अभी बहुत सारा काम है, जल्दी से इसको कहते हैं भाई जल्दी जल्दी से बीज दो, और जल्दी जल्दी से फिर हम इसको काटेंगे और फिर बेचेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा फुल देखना। तो गाइस हमारे जो जो गाइस हमने जो गेहूँ बीज दी है वो भी हो चुके कंप्लीट, तो वो कह रहा भाई मुझे पैसे दो, इसके जो बीजिंग है मैंने जो गाइस कणक बीजी है उसने ट्रैक्टर वाला पैसे मांग रहा है। तो भाई मैंने कहा तुमने जो हल फेरी थी उसके पैसे मिल गए तुम्हें, तो इसके पैसे मैं बाद में दे दूंगा जब गेहूं पक जाएगी और बेच दूंगा मैं। तो वो कह रहा है ठीक है भाई मैं बाद में ले लूँगा आपसे। तो गाइस उसको कहते हैं अब जाने के लिए कह सकते हैं हम, तो वो जा सकता है यहाँ से गाइस। तो भाई अब हमारी जो हम जो गेहूँ जो बीजी है उसकी गैस तैयारी है, जब कहाँ कब जो पकेगी। तो गैस जो हमने पहले जो गेहूँ जो बीजी थी वो गैस गेहूँ पक चुकी है, तो जो हमने बाद में बीजी थी वो अभी गैस ग्रो होने वाली है। तो इसका इस ये वाली गेहूँ हम इसको कटाएंगे, तो हमें हार्वेस्टर वाले को कॉल करने पड़ेगी, हार्वेस्टर वाले को बुलाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे आप आकर देख सकते हो कि भाई जो हमारी गेहूँ है वो बिल्कुल खड़ी है सीधी और कहीं से भी जो गिरी हुई है नहीं। तो अभी हम उसको कॉल करेंगे और वो बाद में आएगा गाइस।
वो जहाँ से देखेगा और कैसी है जो मरी गेहूँ, तो उसको करता हूँ गॉइस मैं कॉल, फिर आता है वो तो फिर मैं बाद को आपको बताता हूँ। ओके जी गाइस, जो हमारा प्लेयर जो दूसरा कंपेन वाला बंदा है वो आ चुका है यहाँ पे, देख रहा है कि गाइस हमारी जो गेहूँ है वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, तो भाई ये उसको अब काट रहा है, काटेगा तो हार्वेस्टर जो इसके उसने आदमी जो रखे होंगे वो हार्वेस्टर लेके आएंगे, तो गाइस उतनी देर दिखते हैं जब तक वो हार्वेस्टर लेके आते हैं, तो गाइस चलो उनको आने देते हैं, तो वेट करते हैं उतनी देर गाइस। तो गाइस उसने मुझे कॉल कर दिया कि वो हमारे बंदे जो हार्वेस्टर लेके आ चुके हैं, तो गाइस वो यहाँ पे रुके हुए हैं आकर, तो इनको हम अब रास्ता इनको बताने वाले हैं, तो यहाँ से भाई ये कह रहा है कि भाई कौन सा खेत काट रहा है, तो भाई मैंने कहा तो वो सामने वाला खेत काट रहा है, तो चलो गाइस ये काटते हैं उतनी देर बाद में आपको मिलता हूँ काट कर। तो फिर गाइस हमारे पास एक ट्रॉली भी नहीं है, तो फिर से वही बंदे को बुलाना पड़ेगा जिससे हमने हल हल को और गेहूं जो बीजी थी तो उसको बुलाएंगे, फिर उसको बाद में उसको जो फिर बेच के आएंगे मंडी में और उसके भी पैसे देंगे, फिर हार्वेस्टर वाले के भी पैसे देंगे। तो चलो गाइस इससे हम कटाते हैं, फिर आपको मिलते हैं गाइस। ओके तो गाइस ये हमारी जो गेहूं काटने लगे हैं तो हम वो ट्रैक्टर वाले को बुला लेते हैं जो जिस हमें ट्रॉली और ट्रैक्टर चाहिए, एक हमें जो दाने जो बराने हैं हार्वेस्टर से लेने हैं दाने, तो कंपाइन से दाने लेने हैं, तो हम जल्दी से ट्रैक्टर वाले को कॉल लगाते हैं, और मैंने कॉल गाइस पहले लगा दिया है, तो वो ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर आ रहा है, तो गाइस उसको भी देखते हैं चलो उतनी देर उसको आने देते हैं, तो ये हमारा खेत उतनी देर में काट देगी, तो फिर गाइस आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि जो हमारे जो आज के कितने पैसे जो कटे हैं और कितने मिले हैं। तो ओके गाइस वो ट्रैक्टर वाले की वेट करते हैं और इसको काट कर आपको बाद में मैं मिलता हूँ, और ये अभी एक परात काट दी है दूसरी परात के लिए आ रही है, तो बाद में मिलते हैं गाइस आपको। क्या था वो अब हमारी जो गेहूं ग्रो हो चुकी है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी गेहूं ये भी ग्रो हो चुकी है, तो वो जो हम काट रहे थे वो उसमें गाइस दो तीन परात रह चुकी हैं, तो उसको गाइस बाद में हम ये भी गाइस ये काट के ये बाद में फिर हमको गाइस आपको दिखाते हैं बाद में इसको बेचेंगे कणक को कि भाई कितने की ये बिकेगी, जब इसको बेच देंगे फिर गाइस हम ट्रैक्टर वाले के भी पैसे दे देंगे जो उसने हमने गेहूँ बीज कर दी थी, और हार्वेस्टर वाले के भी पैसे दे देंगे हम बाद में। तो गाइस ये काटते हैं उतनी देर आपको बाद में मिलते हैं गाइस। तो गाइस हमारी जो ट्रॉली भर चुकी है तो इसको हम गाइस करेंगे सेल, तो देखते हैं कितने गाइस हमें जो कमाई होती है इससे, तो इसको सेल करते आते हैं। तो फिर गाइस जो हमारी अभी हार्वेस्टर में और गेहूं पड़ी है तो वो कह रहे हैं भाई हमने जाकर दूसरा खेत काट रहा है, जल्दी से ट्रॉली खाली करके गाय मंडी में बेच कर आओ, और फिर गाइस उससे खाली कराएंगे दूसरे दाने भी जो हार्वेस्टर से ले लेंगे हम, तो गाइस इसको हम सेल करके आते हैं, तो वहाँ पे मंडी में आपको दिखाते हैं। तो गाइस हमने एक ट्रॉली यहाँ पे बेच दी है, तो अब हम दूसरे भी बेचेंगे ले आकर हार्वेस्टर से लेकर आएंगे, तो वो भी बेच देंगे, फिर हम इसको गाइस प्राइस मिला हमें 6,481 डॉलर, तो गाइस दूसरा बाद में हम बेचते हैं। तो गाइस हमने हार्वेस्टर से वो भी दाने ले लिए, तो इस अब इतने से निकले हार्वेस्टर से दाने, तो ये भी हम सेल कर देंगे बाद में गाइस, तो हम जो हार्वेस्टर को भी पैसे दे देंगे और जो इस ट्रैक्टर वाले को जो हमारे उसने गेहूं बीजी थी वो भी हम उसको पैसे दे देंगे। तो चलो गाइस चलते हैं हम मंडी में और फिर आपको दिखाते हैं गाइस बाद में। तो गाइस हमने वो भी गेहूं बेच दिया है और टोटल हमें 8,000 का जो गाइस आज गेहूं हमारी जो बिकी है, तो ये था गाइस आज का गेम प्ले। अगर गेम प्ले अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।